दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूँगा बीजापुर का दो खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट, दोबे, जहाँ पर पत्थरों की खूबसूरत संरचना है। दूसरा, छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे वाटरफॉल में से एक, नीलम सराय जलप्रपात। दोस्तों, यहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपको बीजापुर आना होगा। रायपुर से बीजापुर की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है, वह जगदलपुर से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप बाई बस या पर्सनल कार से यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ पर ट्रेन सुविधा नहीं है। बीजापुर से 55 किलोमीटर की दूरी पर उसूर है। उसूर से सोढ़ीपारा होते हुए हम नीलम सराय जलप्रपात तक जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टे करना है तो आपको उसूर में ही होम स्टे मिल जाएगा, साथ ही आपको यहाँ पर गाइड भी मिल जाएगा जो आपको सफलतापूर्वक नीलम सराय जलप्रपात व दोबे तक लेकर जा सकते हैं। साथ ही आप नीलम सराय जलप्रपात व दोबे में आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको दर्शनीय बीजापुर से संपर्क करना होगा। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लें, इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। यहाँ पर नाका बना हुआ है। दोस्तों, उसूर से सोढ़ीपारा आएंगे तो यहाँ पर आपको नीलम सराय पर्यटन समूह का बोर्ड मिल जाएगा, आपका हार्दिक स्वागत करता है। पर्यटकों के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। गाइड के लिए 100 रुपये, स्थानीय लोगों के लिए, बाहरी लोगों के लिए 200 रुपये प्रति व्यक्ति लगेगा। भोजन अगर आप करते हैं तो 100 रुपये प्लेट है। वाहन पार्किंग शुल्क 10 रुपये है। 4 पहिया वाहन के लिए 30 रुपये लगता है। मदिरा पान वर्जित है, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना। ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा निर्णय लिए हैं यहाँ के समूह वाले, और जलप्रपात को साफ सुथरा रखने में सहयोग करें, प्लास्टिक का उपयोग ना करें। यहाँ पर एक स्कूल भी है, प्राथमिक शाला सोढ़ीपारा, तो इस तरह से। और आगे यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर स्व सहायता समूह के जो युवा लड़के हैं वो यहाँ पर रहते हैं, जो गाइड के रूप में आपको नीलम सराय जलप्रपात तक लेकर जाते हैं। और जस्ट ये नाका के पास ही यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल है, तो मैं आपको स्कूल दिखाता हूँ। देखिए देखिए, तो बड़ा अच्छा लगा। और अभी खाना का टाइम हो गया है, अब यहाँ पर बच्चे खाना खाएंगे। दीदी पहले ही खाना बना दी हैं। अच्छा, ये थाली पहले धोने जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर नल है, क्या बात है। देखिए, इतना उत्साह के साथ जा रहे हैं, वाह।
पानी पी लिए हैं, अब निकल रहे हैं वाटरफॉल के लिए। और स्कूली बच्चे खाना खा रहे हैं भाई अभी, क्या बात है, बड़ा ही एकदम खुशनुमा ज़िंदगी है यहाँ का। ना कोई टेंशन, ना कोई काम का बोझ। सो बैरियर से आगे निकल गए हैं और अभी हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिए हैं। उसूर से लगभग 7 किलोमीटर ट्रैकिंग करके जाना होगा उन पहाड़ियों के ऊपर। मज़ा आएगा। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर मंदिर है और मंदिर से होते हुए हम ऊपर जाएंगे। तो इस ट्रिप में हम दो टूरिस्ट स्पॉट को कवर करेंगे। एक दोबे नाम का टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर बहुत सारे पत्थरों की संरचना है, उसको कवर करेंगे, और दूसरा नीलम सराय के वाटरफॉल को। और ये वाटरफॉल बस्तर के सबसे ऊंचे जलप्रपात में से एक है, लगभग 250 फीट ऊंचा है। सोच सकते हैं, इस बार वहाँ कर दिखाएंगे आपको एकदम करीब से और ड्रोन शॉट भी। लगभग 4 से 5 पार्ट में ये वीडियो आएगा। हमारे साथ देख सकते हैं भैया हैं और गणेश भैया हैं और बीजापुर के बहुत सारे भैया हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं इस बार, और पूरी तैयारी के साथ। देख सकते हैं कितने सारे लाइट्स रखे हैं रात का जुगाड़ के लिए। कितने सारे लाइट्स हैं गणेश भैया? 3 लाइट है, उसके अलावा 16 लाइट है, 5। अच्छा, इतने सारे सामान हैं, टेंट भी है, 4 टेंट है, और कुछ लोग तिरपाल के नीचे ही सो जाएंगे भाई, ऐसा करके इतने सारे सामान हैं। और हमारे साथ है बीजापुर के नीलम सराय के टूरिस्ट गाइड जो हमें ऊपर तक सफलतापूर्वक मतलब सेफली लेकर जाएंगे। लगभग 15 लोग जा रहे हैं, 12 हम थे और 3 गाइड लेकर जा रहे हैं। और 15 लोगों के लिए खाना, टेंट, गद्दे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आज रात को हम वहीं पर रुकने वाले हैं। इस तरह के 8 से 10 नाले को क्रॉस करके जाना है। अभी बारिश के कारण पेड़ उग गए हैं, देख सकते हैं, और हमें उस पहाड़ के ऊपर जाना है। लगभग 2 घंटे के ट्रैकिंग के बाद हम वहाँ पहुँचेंगे। अब यहाँ से पहाड़ चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से मेन मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो हम आसानी से चले गए। अब यहाँ से पहाड़ चढ़ते जाएंगे। चलते चलते बड़े ही खूबसूरत से जगह पर आ गए हैं। देख सकते हैं पूरा चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है, और यहाँ से दूर दूर तक पहाड़ों की श्रृंखला दिख रही है। अब देख सकते हैं अभी लगभग 500 मीटर
हम पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं, अभी कंटिन्यू लगभग 4 से 5 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना है। कुछ खूबसूरत चीज़ें देखना है तो उसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है। देख सकते हो पसीना, कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके बताइए। यहाँ पर एक छोटा सा झरना बनाता है, देखिए। हाँ वाह, क्या बात है, देखिए। और इधर पूरे पहाड़ों की श्रृंखला, ये छोटे छोटे झरने, नाले थकान को दूर करते हैं। पेड़ों का सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट मन को आनंदित करते हैं, यही एनर्जी देता है चढ़ने के लिए, वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए। बहुत थकान भरा ट्रैकिंग है और मेरे लिए और भी ज़्यादा, क्योंकि लगभग 15 से 20 किलो का बैग रखा हूँ। इस कारण से करीब 5-6 कैमरे हैं, कपड़े हैं, स्लीपिंग बैग है, कई सारे इक्विपमेंट्स है जिसको ढो के ऊपर लेके जा रहा हूँ। कंटिन्यू पहाड़ चढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक और झरने का निर्माण कर रहे हैं, देख सकते हैं। पर हमको जाना है इस साइड, यहाँ पर एक रेस्ट पॉइंट है। एक नंबर, यहाँ से होते हुए जाएंगे उस साइड, चलते हैं। इतना क्लीन पानी है, देखिए। भाई लोग आ गए हैं और कुछ लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर अकेले बैठा हूँ, यहाँ पर अकेले बैठा हूँ। इतना सुकून दे रहा है, पूछे मत, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आकर यहाँ पर। पेड़ जो है धूप को नीचे आने नहीं दे रहा है, इतना घना पेड़ है। और नदी का ये चहचहाहट मन को आनंदित कर रहा है।
देखिए यहाँ पर घुटने घुटने भर तक पानी है। चलिए चलते हैं अब नीचे उस पार। फिर से ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी हैं और अब केवल और केवल चढ़ाई है, लगभग 2 किलोमीटर का। चढ़ाई वाला पार्ट ख़त्म हो गया है, अब फ्लैट आ गए हैं। यहाँ से अभी गौठान जा रहे हैं जो हमारा सेकंड स्टॉपेज है, वहाँ से फिर डायरेक्ट हम नीलम सराई वाटरफॉल जाएंगे। दोस्तों अभी हम बांस की बाड़ी में आ गए हैं, देख सकते हैं चारों तरफ बांस ही बांस है। इसी साइड में मिलता है करेल का सब्जी जो आप खाते हैं, जंगल वाला करेल बास्ता। बीजापुर टूरिस्ट गाइड। प्राकृतिक सुंदरता देखिए, पहाड़, पेड़, वाह कितना खूबसूरत ट्रैक है। जी जी पानी बड़ा है यार, तो फल में तगड़ा पानी जी सर, आज बहुत आवाज आ रही है, इतना आवाज आ रही है इतना। ये हमारा सेकंड स्टॉपेज पॉइंट है और उस साइड देखिए कितना ज्यादा घटा है, बहुत तेज बारिश होने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर मकान बना के, यहाँ पर कुछ परिवार यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर 100 से 200 गाय को रखते हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया गौठान बनाया है भाई बांस का। देखिए यहाँ पर रात में सोते भी हैं, क्या बात है। तो भाई लोग पहले ही आ चुके हैं, रेस्ट कर रहे हैं आधा घंटा पहले क्या बात है।